हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंकी ऑन कुकिंग लाइफ में। मटर आलू की सब्जी बिल्कुल नई स्टाइल में, आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है ये। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है और इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और इसी के साथ में हम डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मटर, तो इसके दाने अलग कर लिए हैं मैंने छिलकर। और यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज काट लिया है, इसे मोमदस्ते में कूट लेंगे हम। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। तो ये हमारा जीरा भी भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो मसाला तैयार किया था इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है मैंने और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसमें, यहाँ पर थोड़ा सावधानी से डाल लें क्योंकि तेल हमारा गर्म है। तो ये देखिए मैंने मसाला इसमें डाल दिया है और अब हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे मसाले से तेल अलग होने तक। जितना अच्छे से हम मसाले को पकाते हैं उतनी अच्छी हमारी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को दरदरा सा कूट लिया है, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और सेम मोमदस्ता में हम लहसुन को भी कूट लेंगे, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले में अच्छे से उबाल आ गया है। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले से तेल अलग हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज दरदरा सा कूटा था वो डाल दिया इसमें। इसी के साथ में हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम इन्हें भी पका लेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। इसी के साथ में मैंने 3 आलू काट लिया था तो ये भी ऐड कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पका लेंगे बिना पानी डाले। गैस को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है और ये देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ, आप चाहो तो पानी कम भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये देखिए मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर और इसे हिलाना नहीं है सब्जी को और अब हम इसे ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है ये सब्जी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।